यहां पर देखिए बेस्ट वर्सेस बेस्ट, दोनों लेफ्ट हैंड करेंगे आमना सामना। एक तरफ आरडीएक्स 11 कच्चीगाम के कप्तान जीतू जॉनसन, तो दूसरी तरफ डायमंड टाइगर के कप्तान परेश बामनिया। इस बार पटकी हुई गेंद की गति देखिए और उछाल भी मिली और यहां से बीट किया गया और इस उछाल से बीट हुए। और यहां पर बड़े शॉट का प्रयास हुआ था, सही तरह से शॉट सिलेक्शन नहीं करवाया, पहला रन तेजी के साथ और यहां से एक ही रन प्राप्त होगा और एक की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया गया, देखिए जोश दिखाने की जरूरत कप्तान कह रहे कि आपको आगे आना था, पर देखिए फील्डर आगे आएंगे तो उनके पीछे अगर बैकअप कवर नहीं रहेगा तो गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार। और यहां पर आखिरी गेंद अनिशिस, नियंत्रण के साथ गेंदबाजी होती हुई इस ओवर से आए मात्र 3-5 गेंदों में रन रोकने का पूरा प्रयास। और यहां पर देखिए बिल्कुल दो फील्डरों के बीच खेलने का प्रयास किया गया था और यहां से मात्र 2 रन प्राप्त हुए इस ओवर से आए 5, खेल समाप्त हुआ 3 ओवर का, 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 30 रन। देखिए कल मैं घर जाते वक्त एक इंटरव्यू देखा था रिकी पॉन्टिंग का, रिकी पॉन्टिंग को इंटरव्यू ने पूछा था कि आप गैप को कैसे ढूंढ निकालते, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं मैदान पर एंट्री करता हूं तो फील्डिंग का मुआयना करता हूं और तब फील्डर को नहीं गैप को ढूंढता हूं और तब जहां पर खेलता हूं वहां पर गैप बन जाते हैं, तो वो फील्डर को बल्लेबाज को गैप ढूंढने की जरूरत, बड़ा मैदान है रन बन सकते हैं। और यहां पर खेल समाप्त हुआ 3 ओवर का, 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 30, 10 रन प्रति रन रेट की औसत बिल्कुल साफ, जीत के लिए 84 का लक्ष्य का पीछा। इसके बाद जो मुकाबला होगा टीम सोमनाथ दादा 11 वर्सेस टीम शिव शक्ति लायंस, टॉस जीता टीम सोमनाथ दादा 11 ने लिया फैसला गेंदबाजी करने का, रन चेस करने की क्षमता दिखाई, शिव शक्ति लायंस को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। पिछले साल की दो फाइनलिस्ट टीम करेंगे यहां पर आमना सामना, दमन प्रीमियर लीग सीजन 1 की दो फाइनलिस्ट टीम टकराएगी पहली बार दमन प्रीमियर लीग सीजन 2 में आमने सामने। यहां पर देखिए इस मुकाबले की बात की जाए तो कल्पेश पटेल फ्रॉम दोड़ी, जिनको एक और ओवर सौंपी है कप्तान ने, यहां पर चौथा ओवर लेकर आए, पहली गेंद पर बाई के रूप में रन प्राप्त हुआ, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31-31। कप्तान यहां पर फील्डर का मुआयना करते हुए गैप ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जीतू जॉनसन को एक महत्वपूर्ण पारी खेलनी होगी जिस तरह से परेश बामनिया ने खेली थी टीम डायमंड टाइगर के लिए। और यहां पर टप्पा खाने के बाद उछाल मिली, देखिए बल्ले से थोड़ा सा दूर रहा गेंद और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल हर एक डॉट बॉल से दबाव बढ़ेगा, 31 का स्कोर रुका हुआ।
और यहां पर लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास, सूझबूझ बड़ा शॉट सिलेक्शन, एक रन। प्रीत कामली वहां पर मौजूद, जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था रन चुराने का, एक एक की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन 32। एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी जिग्नेश 9 गेंदों में 19 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर गए प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में। और इस बार अप्रयास, बहुत ही शानदार 100% एफर्ट देते हुए दीपू, करीबी मामला हो सकता था, बिल्कुल यहां पर करीबी मामला हो सकता था। देखिए अगर थोड़े से चौकन्ने रहते, स्टार्ट लेते तो शायद यहां पर बात बन सकती थी। अच्छा प्रयास किया, यहां से मौका बना 2 रन का, 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 34 रन। देखिए अमृत मांगेला की ओर से स्वीट शॉट का प्रयास किया था, बहुत ही अच्छा गेंद को रोका दीपू ने, यहां से प्राप्त हुए 2 की मदद से 34, जीत के लिए 84 का लक्ष्य, अभी भी 50 रनों की आवश्यकता। देखिए यहां से बिल्कुल मिड विकेट की तरफ खेलने का प्रयास किया गया, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही तेज, और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36 36 रन। 25 गेंदों में 48 यानी कि बिल्कुल औसत 12 रन के आसपास की। और यहां पर देखिए टप्पा खाने के बाद गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया, सूझबूझ बड़ी गेंदबाजी, नियंत्रण के साथ बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर चुके, बाकी का काम थर्डमैन ने पूरा किया। 24 गेंदें 48 रन यानी कि 12 रन प्रति रन रेट का औसत बिल्कुल साफ। इस मुकाबले की बात की जाए तो 24 गेंदों में चाहिए 48। यहां पर देखिए रणनीति बनाई जा रही अगले मुकाबले के लिए, टीम सोमनाथ डाडा 11 वर्सेस टीम शिव शक्ति लायंस, पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम टकराएगी यहां पर आमने सामने। खेल होगा हार और जीत का न रहकर एक पद और प्रतिष्ठा का। यहां पर देखिए डमन प्रीमियर लीग के लिए शानदार बाउंड्री सजाई हुई है, सीमा वाइन शॉप, सीमा एंटरप्राइजेस, सीमा बार एंड रेस्टोरेंट, इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर जेडी किंग्स, हर एक टीम के खिलाड़ियों के लिए शानदार ड्रेसेस, और देखिए क्या खूबसूरत आकर्षित ट्रॉफी। ये टूर्नामेंट बिल्कुल आईसीसी के नियम अनुसार खेला जा रहा है। हर एक टीम के पास एक एक रिव्यू उपलब्ध होगा, हाई फुलटोस यानी कि बीमर और रन आउट के रूप में आप रिव्यू ले सकते हैं, और देखिए वहां से आपका रिव्यू सफल होगा तो एक और रिव्यू आपके लिए बनेगा। और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी देखिए होगा, ये महत्वपूर्ण ओवर साबित होगा, जीत के लिए 12 रन की औसत से बनाने पड़ेंगे रन। 24 गेंदे बनाए हैं 36 और आने वाली 24 गेंदों में बनाने पड़ेंगे 48। गेंदबाजी लेकर आए हैं प्रभात, पिछले साल भी उन्होंने डायमंड टाइगर के लिए खेल दिखाया था, एक बार फिर उन्हीं की टीम में उनका चयन हुआ है। पहले ओवर में पावर प्ले में थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए थे, यहां पर करनी होगी भरपाई। और यहां पर देखिए नियंत्रण के साथ टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल, हर एक गेंद के साथ खेल और करीब आता हुआ रोमांचक मुकाबला पूरी तरह से जारी। टीम डायमंड टाइगर पंजाब किंग्स के ड्रेस में सज, तो दूसरी तरफ आरडीएक्स 11 कचीगाम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ड्रेस में सज। बड़े शॉट का प्रयास, आसमानी टोला, हवा में है गेंद, दूर, जी हां बहुत दूर,
हवा का साथ मिल चुका है और अब चली गई गेंद, 9 बॉल 6 फ्री हिट। और यहाँ पर देखिए फील्डर से हुई गलती, देखिए बल्लेबाज के जो एरिया से उनके लेग साइड से जो फील्डर क्रीज के पीछे तीन रहेंगे तो समस्या खड़ी हो सकती है। और यहाँ पर समस्या खड़ी हुई कि गलती फील्डर ने, और देखिए पहली गेंद दौड़ रही थी, यहाँ पर प्राप्त हुआ 6, कुल मिलाकर हुए 7 रन, 36 के बाद 7 यानी कि 43 रन, 43। अगली गेंद लेकर प्रभात, एक और खराब गेंद, देखिए कप्तान को इट्स अ फेवरेट शॉट सिग्नेचर और हाई फुल टॉस। देखिए समस्या खड़ी हुई है प्रभात की, अच्छे गेंदबाज है, आपको पुरवार करना होगा, लाइन एंड लेंथ पर ध्यान देना होगा, नियंत्रण बहुत जरूरी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये क्रिकेट का खेल है, अपनी लाइन पर फोकस करिए। फ्री हिट कंटिन्यू, इट्स अ हाई फुल टॉस, बी मर, रन रोकने का प्रयास देखिए यहां पर लिया गया रिव्यू हाई फुल टॉस बीमर का। और 9 बॉल हाई फुल टॉस। और यहां पर एक और खराब गेंद, देखिए 9 बॉल पर 9 बॉल, गलती पर गलती, देखिए कप्तान ने
क्या खूबसूरत। अब समस्या हुई, दो नौ बॉल हाई फुल टॉस किए, अब अगले गेंदबाज को आना पड़ेगा, चार गेंदे करनी पड़ेगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही जरूरी है क्रिकेट का खेल है, सोच समझकर। एक ही गेंद हुई है और देखिए 19 रन। क्रिकेट में कुछ भी कहने की और यहां पर देखिए गेंदबाजी लेकर धवन, और धवन के पास बचना होगा क्योंकि पांच गेंदें हैं। पहली गेंद फ्री हिट, और यहां पर देखिए फ्री हिट का मौका है और फ्री हिट के मौके पर बचे। देखिए 24 गेंदों में 48 चाहिए थे, दो गेंद पर आ चुके हैं 20। अब 22 गेंदों में चाहिए 28 रन। प्रभात और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की जा रही है। इस ओवर की शुरुआत की थी प्रभात ने, दो हाई फुल टॉस किए, उसके बाद नियंत्रण देखिए धवन को जिम्मेदारी सौंपी और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार गेंदबाजी, दो गेंदे अभी भी अनिशेष, नियंत्रण बिल्कुल सही। पिछले साल धवन पटेल सोमनाथ दादा इलेवन की टीम में खेल रहे थे। और यहां पर देखिए एक और जड़ में डालने का प्रयास, एक डेंजर जोन से गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल सटीक लाइन एंड लेन के साथ। इस एन की बात की जाए तो बिल्कुल जले हुए कोलसे पर चलकर अग्नि परीक्षा देनी रहती है गेंदबाजों के लिए, क्योंकि बल्लेबाज के लिए हवा यहां से मदद रूप बनती है। आखिरी गेंद, और इसी बीच यहां पर खेल समाप्त हुआ पांच ओवर का। पांच ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 60। देखिए डायमंड टाइगर के रन हुए थे 6 ओवर में 60, तो यहां पर खेल बचा है 18 गेंदों का और 18 गेंदों में चाहिए 24। अठारह गेंदे 24 रन,
अंपायर से निवेदन है कि खेल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और यहां से प्राप्त हुए 4 रन। देखिए पहली गेंद पर खूबसूरत चौका मिला। कप्तान का सामना कर रहे कप्तान 84 का लक्ष्य का पीछा, बने हैं रन 64 जीत के लिए। 17 गेंदे 20 का समीकरण चाहिए विकेट की दरकार। डॉट बॉल दबाओ परेश बामनिया, एक महत्वपूर्ण कप्तान। यहां पर हल्का सा पुश करना चाहता था, गली की तरफ खेलना चाहे हो आप। देखिए थर्ड मैन और गली के फील्डर ने क्या खूबसूरत फील्डिंग की। कल्पेश पटेल ड्राइव लगाकर गेंद को रोका। और यहां पर देखिए बहुत ही शानदार तरीके से सूझबूझ भरे क्रिकेट खेलने का पूरा प्रयास। इस ओवर की बात की जाए तो पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर 2, तीसरी गेंद पर 2, प्राप्त हुए 8। पंद्रह गेंदे 16 का समीकरण बिल्कुल साफ। और यहां पर देखिए टप्पा खाने के बाद उछाल, बल्लेबाज को बीट किया, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल इसी बीच देखिए यहां पर आखिरी गेंद लेकर छठी ओवर की आखिरी गेंद, रणनीति बनाई जा रही है, बिल्कुल विकेट की तलाश हो रही है। रन 69। यहां पर देखिए साथी गेंदबाज हौसला बढ़ाते हुए और यहां पर नियंत्रण के साथ हुई समाप्ति ओवर की। खेल समाप्त हुआ 6 ओवर का, 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 69। और देखिए 6 ओवर में टीम डायमंड टाइगर के रन थे 60। अब 12 गेंदे 15 का समीकरण, इस कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा। देखिए हेलीकॉप्टर को कैद करते हुए कैमरामैन।
और इसी बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी धवन पटेल, युवा गेंदबाज, और हवा में, और देखिए फील्डर को बनना पड़ा दर्शक, हवा का जोर लग चुका था, आसमानी टोला 200। जो दर्शक ने कैच लव कहा प्लीज आ जाए। यहां पर देखे एक के बाद एक, अब जीत के लिए चाहिए 3 रन। जीतू को 50 के लिए चाहिए 6। जीतू जॉनसन क्या तीसरे अर्ध शतकवीर बन पाएंगे चौथे? और यहां से बचे एक रन चुराया, दूसरे का प्रयास और रन आउट, एक सीधा थ्रो अम भावेश टंडेल की ओर से। और यहां पर देखिए एक रन प्राप्त हुआ, दूसरे का प्रयास और यहां से स्कोर पूरा किए दिए, जीत गिली, जीत हो गई टीम आरडीएक्स 11 कच्चीगाम की। 22 गेंदों में 47 की महत्वपूर्ण पारी और मैन ऑफ द मैच का खिताब टीम आरडीएक्स 11 कच्चीगाम के कप्तान जीतू जॉनसन, प्लीज कम ऑन द स्टेज, मैन ऑफ द मैच। 4 छक्के 2 चौके और गेंदबाजी में लिए थे विकेट 2। तो यहां पर आए मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त करने के लिए जीतू जॉनसन। देखिए हार्ड लग रही, अच्छा प्रयास किया था, जो पारी का 5वां ओवर था वो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि वहां से एक गेंद में आए 19 रन, 9 बॉल पर 9 बॉल और बल्लेबाज ने बड़े शॉट जड़े। तो अब होगा मुकाबला पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम शिव शक्ति लायंस वर्सेस टीम सोमनाथ दादा 11। टीम सोमनाथ दादा 11 के लिए मुकाबला बहुत ही जरूरी। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जीतू जॉनसन कप्तान टीम आरडीएक्स 11 के, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलकर गए।